सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रियलमी 3 और रियलमी 3 प्रो के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि रियलमी अभी तक इंडिया के जो 15,000 का सेगमेंट है उसमें पूरी तरह से आग लगा के रख दिया है। अब रियलमी की तरफ से ऑफिशियल एक ट्वीट आया है, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो रियलमी 3 या फिर रियलमी 3 प्रो आएगा उसमें आपको मिलेगा मीडिया टेक का हेलियो P70 का चिपसेट। जी हाँ, ये चिपसेट अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च किया गया है, तो वो चिपसेट आपको रियलमी 3 में देखने को मिल जाएगा। और इसे माधव सेठ ने भी कंफर्म कर दिया और उन्होंने बोला कि ये रियलमी 2 और रियलमी 2 प्रो का अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि एक गेम चेंजर होने वाला है और शायद ये रियलमी की तरफ से एक प्रीमियम स्मार्टफोन जहाँ तक मुझे लग रहा होगा, जिसका प्राइस अराउंड 20,000 के आसपास रहने वाला है। आप लोगों को पता है कि जब से रियलमी ने रियलमी 1 लॉन्च किया उस टाइम से रियलमी के बहुत ज़्यादा फैंस उनके साथ जुड़ गए और रियलमी के स्मार्टफोन उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। और रियलमी अभी बहुत ही अच्छा काम भी कर रहा है, ये मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं कर रहा है, काफ़ी कम प्राइस में उनको काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को दे रहा है। तो रियलमी 3 आने वाला है और उसकी जो जानकारी है वो अब आना स्टार्ट हो गई है। अभी तो यार मुश्किल से रियलमी 2 प्रो का 1 से 2 सेल ही हुआ है, 11 अक्टूबर को शायद हुआ, उसके बाद अभी 2-3 सेल चल ही रहा है और अभी आपको ये न्यूज़ आ रहा है कि रियलमी 3 आने वाला है। अब जो बंदा रियलमी 2 प्रो लेने का सोच रहा होगा वो बोलेगा कि भाई मैं थोड़ा दिन रुक जाता हूँ, क्योंकि रियलमी 3 आ रहा है तो मैं क्यों ना उसका ही वेट करूँ। तो जी हाँ, अगर आपको वेट करने का अगर आपको अर्जेंट नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ दिन मतलब नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के मिड में रियलमी 3 भी आ ही जाएगा, तो बाद में आपको पछतावा ना हो कि भाई हम थोड़ा दिन रुक जाते तो हमको अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता। तो ये आप देख सकते हैं, आप रियलमी 2 प्रो काफ़ी अच्छा खासा स्मार्टफोन है 15,000 के प्राइस रेंज में, तो इसे आप कंसिडर करना चाहते थे तो डेफिनेटली आप कर लीजिए। और अगर हम लोग बात करें रियलमी 3 के बारे में, तो इसमें आपको कुछ बताया जा रहा है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा, सेम कैमरा होने वाला है बैक साइड में, और फ्रंट साइड में आपको 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें रियलमी 2 प्रो की, तो फ्रंट कैमरा में थोड़ी वाइटनेस आ जाती है, जिस तरह से अगर आप फोटो देखे होंगे या फिर कैमरा रिव्यू देखे होंगे, तो फ्रंट कैमरा रियलमी 2 प्रो का उतना अच्छा नहीं है। अगर हम लोग रेडमी नोट 5 प्रो की बात करें, एसुस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 की बात करें, मोटो के G6 की बात करें, तो उसका फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेहतर है रियलमी 2 प्रो से। लेकिन अगर हम लोग बैक कैमरा की बात करें तो उसमें वो सभी स्मार्टफोन को काफ़ी अच्छे से टक्कर दे देता है। तो अब रियलमी 3 आने वाला है, जिसमें आपको मीडियाटेक का हेलियो P70 का चिपसेट मिलेगा, जो कि पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको ये चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि रियलमी ने कन्फर्म कर दिया। और साथ में माधव सेठ जो कि रियलमी के CEO है, उन्होंने भी ये बात कन्फर्म कर दी है। तो आप लोग मुझे बताएगा कि क्या आप लोग अभी रियलमी 2 प्रो लेंगे या फिर आप स्किप करेंगे रियलमी 2 प्रो को, अब डायरेक्ट रियलमी 3 लेंगे। मेरे ख्याल से रियलमी को ना इतना जल्दी जल्दी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करना चाहिए। कोई बंदा अगर आज का फ़ोन लेता है तो उनको तो पछतावा होगा ही, जिस तरह से जिन्होंने रियलमी 2 लिया था। अब उनके हाँ, हालांकि रियलमी 2 और रियलमी 2 प्रो में थोड़ा ज़्यादा प्राइस डिफरेंट है, लेकिन अगर आता है रियलमी 3 तो ये आप बोल सकते हैं कि 20,000 के ऊपर ही रहने वाली है, जिसके आने से रियलमी 2 प्रो को कोई भी मतलब खतरा नहीं होगा। नहीं तो अगर रियलमी 3 में कुछ ज़्यादा अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा तो फिर रियलमी 2 प्रो कौन लेगा। तो रियलमी ये देखेगा और वो नहीं चाहेगा कि रियलमी 2 प्रो का जो सेल है वो ख़राब हो जाए, इसलिए जो रियलमी 3 आएगा वो लगभग मेरे ख्याल से 18, 19, 20 हज़ार, 21 हज़ार के आसपास है उसके जो बेस वेरियंट के प्राइस हो सकते हैं, ताकि रियलमी 2 प्रो को कोई भी नुकसान या फिर उसकी सेल में कोई इफेक्ट ना पड़े। आप लोग क्या सोचते हैं रियलमी के बारे में कि क्या आप रियलमी कितना धमाकेदार स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करें और कितना दिन तक रियलमी के फ़ैन बने रहते हैं, और कितना क्या 2019 में रियलमी इंडिया का नंबर वन ब्रांड बन जाएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसे का फ़ोन लॉन्च करता रहा ऐसी प्राइजिंग में, तो कोई डाउट नहीं बन सकता है, बनना बहुत मुश्किल है, बन सकता है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, अब 2-3 फ़ोन से तो जज नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड बन सकता है, लेकिन जहाँ तक अभी तक काम किया है मज़ा आ गया काम देख के, क्योंकि रियलमी 1 से लेकर रियलमी 2 प्रो तक काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च किया काफ़ी कम प्राइजिंग में। अब रियलमी 3 आ रहा है जो कि आपको कमाल के स्पेस प्रोवाइड करेंगे कमाल की प्राइजिंग में। तो चिपसेट तो कंफर्म हो ही गया मीडियाटेक का हेलियो P70, अब नाम देखते हैं कि रियलमी 3 आता है या फिर रियलमी 3 प्रो, वो तो हमें पता चल जाएगा। और शायद ये जो ओप्पो का K1 है उसी का थोड़ा मोड़ा रीब्रांडेड ही होगा, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रियलमी की तरफ से इम्प्रूवमेंट की जाएगी, जिस तरह से प्रोसेसर में अपग्रेड करके मीडियाटेक का हेलियो P70 आ जाएगा। और
इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आए मुझे उतना खास लगता नहीं है, बैक साइड में ही मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, और क्या आप लोग वेट कीजिएगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो तक पहुंच जाए, और वो लोग भी अगर रियलमी 2 प्रो का लेने का सोच रहे थे तो बोलो भाई थोड़ा दिन रुक जाओ, क्योंकि रियलमी 2 प्रो का एक सक्सेसर रियलमी 3 आने वाला है, जो कि इससे काफ़ी अच्छे प्राइजिंग में हमें अच्छे स्मार्टफोन और देगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग पूरे 1 लाख फैमिली मेम्बर्स होने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।